मेरे नबी ने फरमाया हाय हाय कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया, मोहम्मद का दिल ठंडा कर दिया। लेकिन बता दो क्या इनाम लोगे मुझसे, गिफ्ट क्या लोगे, इनाम आपको देना चाहता हूँ। एक क्या इनाम, इनाम, इनाम का इनाम, जो आपके दस्ते मुबारक में जो असा है, डंडा है, ये मुझे दे दो। जो आपके असा मुबारक है, ये असा मुझे इनाम के अंदर दे दो। मेरा नबी भी हैरान हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाने लगे कि क्या करोगे इसको, असा को लेकर कोई बड़ी चीज़ तो मांग लो, कोई बड़ी चीज़ तो मांग लो, इस असा को क्या करोगे। फरमाया या रसूल अल्लाह, क़यामत में मैदान महशर पे जब हमारी बेइज्जत होगी, जब हम उठेंगे, पता नहीं आप मुझे पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे, ये असा लेकर के आपकी खिदमत में आऊँगा कि मैं वो आपका खादिम हूँ, आपका असा लेकर के आया हूँ, अब तो मुझे पहचानते हो या नहीं पहचानते। मेरा नबी दर्स दे रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दर्स दे रहे थे, दर्स देते हुए फरमाया कि मुझे एक बंदे ने बहुत सताया है, कोई मुझे उससे आज़ाद करने वाला है। एक साहबी उठा, कहने लगे या रसूलल्लाह इंशाल्लाह मैं आपको आज़ाद कर दूंगा, लेकिन मुझे इजाज़त दें। फरमाया कि इजाज़त, फरमाया कुछ ऊपर नीचे की अगर बातें करूं तो फिर इजाज़त होगी। फरमाया कि हाँ इजाज़त है आपको। वो यहाँ से दौड़ा, अब वो बंदा वो सड़े, वो किधर गया वो सड़े, पता चल गया या मीना से निकला, अरफात से निकला, अरफात के मैदान से उधर ही जा रहा, बड़ा मुर्दार किस्म का सहाबी पीछे दौड़ा दौड़ा है सहाबी पीछे दौड़ा, दौड़ते हुए कहते हैं मेरी नमाज का वक़्त आ गया, अगर जाकर उसको पा लेता हूँ नमाज निकल जाती है, नमाज पढ़ लेता हूँ तो वो निकल जाता है। है वो बैठो, बैठे हुए आप लोग, कर लो फैसला। कहते अगर मैं नमाज पढ़ लेता हूँ तो वो निकल जाता है, और अगर उसके पास जाता हूँ जब तक उस तक पहुँच जाऊँ नमाज मेरी निकल जाएगी। अल्लाह क्या करूँ, ये मुर्दार को पकड़ूँ या नमाज पढ़ूँ, मुर्दार को पकड़ लूँ या नमाज पढ़ लूँ। तो फरमाते मौली मंजूर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैंने नीयत बांधी और ऐसे दौड़ दौड़ करके मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, दौड़ दौड़ करके मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। हमारे मुफ्ती हजरात बाद कहते कि नमाज नहीं होगी, लेकिन चूंकि मुफ्ती गरीब, हम लोग इन चीज़ों से वाकिफ ही नहीं, हम मुफ्त के मुफ्त खोर किस्म के मुफ्ती है तो मुफ्ती है। आए जी रास्ते पर दौड़ 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 करके जा करके नमाज तो उसने पढ़ ली रास्ते में दौड़ते हुए, जा करके कहा संगा ले जोड़े तबीयत ना खदे तसो के ता कमजा न राग ले दे, समझे, कहा तसो के ता अखबल खबर वाए, तो मुझे अपनी खबर बता दो कि आप कहाँ से आ गए। कहा कि सड़े एक बंदा है जिसको कहते मोहम्मद, उसने बड़ा तंग करके रखा है। कहा और भी तंग हो जाओगे ना, और भी तंग हो जाओगे, हमारे साथ नहीं दोगे तो और तंग हो जाओगे। कहा तो तुम्हारे साथ होने के लिए तो आया हूँ, साथ होने के लिए क्या करें क्या करें। कहा कि बस मेरे साथ दे दो, हथियार जमा करके दे दो, हथियार हमारी एक जत्था बन जाएगी, हमारी एक जमात बन जाएगी, फोर्स हमारी बन जाएगी, ग्रुप बन जाएगी, नेटवर्क हमारा मजबूत होगा, मोहम्मद कौन होता है। कह लेगा हाँ मैं आपके साथ ही आया हूँ, इसलिए कि नबी से तो इजाज़त ली थी कि हजरत ऊपर नीचे जंग में ये चीज़ें तो चलती है, कुछ धोखाबाजी चलती है जंग के अंदर। कहा कि हाय है मुझे भी तंग किया, मैं भी बहुत तंग हूँ, आप भी उससे तंग है। वह सड़े वह ये तलवार उसके हाथ में थी कि ये तलवार, ये ज़बरदस्त आपकी तलवार लगी, ये बनवाई कहाँ से, ये बनवाई कहाँ से। कहा फलां जगह से, फलां, उस जमाने में हिंदुस्तान की तलवार मशहूर होती थी, हिंदुस्तान की तलवार और मिर्च, हिंदुस्तान की तलवार और मिर्च और ऊदे हिंदी वो लकड़ी जो खुशबू वाली, ये उस जमाने से, बुखारी के अंदर भी इसका तस्कर है ऊदे हिंदी का, और मुहन्नत सैफ़े मुहन्नत यानी हिंदी तलवार, ये उस जमाने से। कहा कि ये इस किस्म की ज़बरदस्त तलवार है। क्या सड़े मातरा को गोरम संगा देख लो, मुझे देख लेता हूँ किस किस्म की तलवार है, देख दे दिया तलवार को नियाम से निकाला। वाह वाह अजीब नियाम बना हुआ, अजीब तलवार बनी हुई, अजीब नियाम है, अजीब तलवार है, बस तेरे जैसे बड़े लोगों के लिए इस किस्म की कीमती तलवार। दादा चिश देता बल सुख रवान दे, कोई और आ रहा उधर देखा दे मारा तलवार उसको, यहाँ से इधर मारा सर उसका अलग करके सर को उठाया, मनहूस के खिंजीर के सर को इधर अल्लाह आपका भला करे एक लकड़ी पे लगाया, दौड़ते हुए आ गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दार को मैंने जहन्नम में पहुँचा दिया, ये उसका सर है, अफलाह तफी वजह का, मोहम्मद आप अपने मकसद में कामयाब हो गया। हजरत ने फरमाया आप कामयाब हो गया, फरमाया हमारी हैसियत क्या है, खुदा आपको कामयाब करे, हमारी हैसियत क्या है, अरे मोहम्मद अल्लाह आपको कामयाब करे, दगा दे दा खिंजीर, वो खिंजीर ये है, इसका सर मैंने उठा करके लाया। मेरे नबी ने फरमाया
हाय हाय कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया, मोहम्मद का दिल ठंडा कर दिया, लेकिन बता दो क्या इनाम लोगे मुझसे, गिफ्ट क्या लोगे, इनाम आपको देना चाहता हूँ, एक क्या इनाम, इनाम इनाम का इनाम, जो आपके दस्ते मुबारक में जो असा है डंडा है ये मुझे दे दो, जो आपके असा मुबारक है ये असा मुझे इनाम के अंदर दे दो। मेरा नबी भी हैरान हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाने लगे कि क्या करोगे इसको, असा को लेकर कोई बड़ी चीज़ तो मांग लो, कोई बड़ी चीज़ तो मांग लो, इस असा को क्या करोगे। फरमाया या रसूल अल्लाह, क़यामत में मैदान महशर पे जब हमारी बेइज्जत होगी, जब हम उठेंगे, पता नहीं आप मुझे पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे, ये असा लेकर के आपकी खिदमत में आऊँगा कि मैं वो आपका खादिम हूँ, आपका असा लेकर के आया हूँ, अब तो मुझे पहचानते हो या नहीं पहचानते, अब तो मुझे पहचानते हो या नहीं पहचानते, मैं तो वही हूँ हजरत। मेरे नबी पर भी सख्त तारी हो गया, मेरे नबी पर भी आशिक अल्लाह ने इस किस्म के मोहम्मद को दिए, मेरे नबी पर भी सख्त तारी हो गया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो असा उसको दे दिया, घर वालों को कहा, उसको दो दिन में तीन दिन में उसको साफ़ करके उसको खुशबू लगाता था, उसको खुशबू लगाता था, और जब सकरात का वक़्त आ गया, बीमार हो गए, कहने लगे कि दुनिया में रहूँगा नहीं, मुझे जाना है, लेकिन जब मेरी वफ़ात हो जाए, मेरी कफन के साथ मुझे जैसे दफन करोगे, मेरे लहद में इस असा को रख लेना, मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, ये मोहम्मद के इस्तेमाल शुदा असा है, इसको कीड़े नहीं खाएंगे, इसको कीड़े नहीं खाएंगे, मोहम्मद का हाथ इस पर लगा हुआ है, मैं इसको लेकर के मैदान महशर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत में मैं जाऊँगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत ये आपका असा है, ये आपका असा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या लोग थे,